देखो नारद बातों नहीं आए। झूला वही मैं भूला। लगवाते हैं देवी, लगवाते जय विजय। पकड़ लिया प्रभु। नारद ये क्या हो रहा है? नारद क्षमा प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम प्रभु, प्रणाम माते, प्रणाम 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 माते, प्रणाम प्रभु, प्रणाम चिकू, प्रणाम। बस नारद क्या बात है, आज आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। हाँ आज आपके पेट में दर्द नहीं हो रहा? ऐसी कोई बात ही नहीं सुनने को मिली माते, और वैसे भी मेरे पास तो कोई कार्य ही नहीं है, इसलिए मैं और चिंगू खेल क्रीड़ा कर रहे थे। यही समय है कोई नया कार्य करने का नारद। हाँ प्रभु, कोई नया खेल खेलते। क्या खेलूं, क्या खेलूं? गुल्ली डंडा? नहीं नहीं प्रभु, उसमें ना मेरे परम मित्र हमेशा मुझसे जीत जाते हैं। वो तो इसलिए क्योंकि तुम खुद गिल्ली बराबर हो। प्रभु प्रभु लुका छुपी? नहीं प्रभु नहीं, कुछ ऐसा खेल जो आप मैं सभी देवगण साथ में मिलकर खेल पाए। कौन सा होगा वो खेल? नया खेल? प्रभु ये क्या? प्रभु ये क्या है? हाँ ये क्या? ये क्या है? लपकिए। ये तो जानी पहचानी लगती है। पृथ्वी, मंगल। हाँ ये गेम तो जानी पहचानी है। प्रभु भूल गए आप? जब आपने कृष्ण अवतार लिया था तो गोकुल की यमुना नदी में ऐसी ही गेंद गिर गई थी और आप उसे लेने गए थे, और वहां पे आपने गोपियों के साथ नहीं कालिया नाग को मारा था। याद आया, कालिया याद आया। क्या अवस्था थी, बाल अवतार। परंतु प्रभु आजकल के बच्चे यही खेल खेलते हैं, और ये खेल बहुत आगे निकल गया है। अब इस खेल को बच्चे, बूढ़े, जवान, स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक हर कोई पसंद करता है। और इसका नाम क्या है मालूम है? क्या? गोलकट्टम लकड़ी पट्टम देदनादन प्रतियोगितम। कौन है? यहाँ हमारी गेंद आई है। आइए ना, दो पैरों पे चल के गोल मटोल सी, ये रही। मलिंगा सुर। ये मेरी गेंद है, लाइए लाइए हमारी गेंद दीजिए। वो क्या है ना, हम दानव लोक में ना खेल खेल रहे थे, तो सरगंडा ने गेंद मार दी तो वो यहाँ आ गई। अच्छा, दानव लोक से हमारी गेंद यहाँ पर आ गई, बहुत बड़ी बात हो गई। हम मारते ना तो गेंद ब्रह्मांड पार हो जाती, समझे ना। बीना बजाने में और बल्ला घुमाने में बड़ा फर्क होता है नारद, आप सिर्फ लगाई बुझाई ही कीजिए। अच्छा ओ मलिंगासुर, जिस दिन हम देवों ने मैदान पे आने की ठान ली ना, उस दिन ये खेल भूल जाओगे। ठीक है तो देखते हैं किसमें कितना है दम। यदि हम लोग अगर जीत गए नारद तो आप हमें क्या देंगे? हाँ क्या देख, नहीं नहीं कुछ नहीं। मलिंगा जी नारद तो बस यूं ही। प्रभु प्रभु घबराइए मत, मैं आप ही का भक्त हूँ, तैश में आके कुछ उल्टा सीधा नहीं करूंगा। स्वीकार है, स्वीकार है तुम्हारा प्रस्ताव, दानव लोक और देवगढ़ के बीच में होगा खेल। गोलगट्टम लकड़ी पट्टम देदनादन प्रतियोगितम का, और देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, अगर हम लोग हार गए तो दानव लोक आपका हुआ,
और अगर आप हारे तो क्या देंगे? तो क्या? तो इंद्रलोक तुम्हारा। नारा प्रभु। हाँ हाँ ठीक है देख लेंगे। हाँ तो फिर ठीक है लगी सर। क्या हुआ? ये मुझे कैसे पता होगा स्वामी? यही तो मैं आपसे पूछने आई हूँ। ये बिजली ऐसे क्यों कड़क रही है? क्या वरुण देव से इंद्र ने कुछ कहा क्या? भला मैं क्या जानू, आप तो ऐसे चिल्लाती हुई आई, ऐसा लगा जैसे दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया हो। मैं इतने जोर से चिल्लाई क्या? और नहीं तो क्या, इस बिजली के कड़कने से भी मेरी समाधि भंग नहीं हुई, परंतु आपके चिल्लाने से हम जाग गए। आवाज जरा नीचे देवी। आप तो चारों प्रहार समाधि में लीन रहते हैं, तो मैं किससे पूछूंगी? हमने आपसे कुछ कहा देवी? तो अब तक क्या कर रहे थे? आप नाराज ना हो, कहें जो कहना है। तो बताइए स्वामी, ये बिजली ऐसे क्यों कड़क रही है? क्या हुआ? संभवतः देवलोक पर कोई संकट आने वाला है। कैसा संकट स्वामी? संकट, मुसीबत, समस्या, इस सभी के जानकार है नारद। नारद अर्थात ब्रह्मांड के पहले पत्रकार। नारद को अवश्य इस बात की जानकारी होगी। नारद, ये क्या किया आपने? सारे देवलोक को ही संकट में डाल दिया। परंतु प्रभु, मुझे तो लगा कि आप मेरी प्रशंसा करेंगे, 56 भोग खिलाएंगे, आप ऐसा बोलेंगे मैंने सोचा नहीं था। नारद माते, मैंने ये चुनौती स्वीकार करके कुछ गलत किया क्या? बताइए। नहीं नहीं नारद, आपने तो बहुत ही साहसता का परिचय दिया है। हम देवता भी उन दानवों का अहंकार चूर करने की शक्ति रखते हैं, है ना प्रभु? अब बोल दिया है तो देख लेंगे। किंतु नारा प्रभु, चुनौती स्वीकार करने से पहले हमसे पूछ तो लेना चाहिए था। नारद, आप देवलोक में रहते हैं, देवलोक आपका नहीं हो गया जो आपने देवलोक को ही दांव पे लगा दिया? हमसे विचार विमर्श तो करना चाहिए था ना। मैं वो इसके कारण हुआ सब। इसे रोकना चाहिए था मुझे। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो ये रोकेगा नहीं मुझे? प्रभु, मैंने क्या किया? आप मुझे क्यों आंखें दिखा रहे हैं प्रभु? चिंगू, अगर आपका मित्र कुएं में कूदेंगे तो क्या आप उन्हें रोकेंगे नहीं? अवश्य रोकूंगा प्रभु, पर मेरे मित्र कुएं में गए कहाँ? अरे तुझे डालूंगा कुएं, तुझे कुएं में। नारद प्रभु, आप हंस क्यों रहे हैं? रोने वाली तो बात ही नहीं है प्रिय। आप लोग चिंतित ना हो, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रभु, चिड़िया कहाँ है? कहावत है देवी लक्ष्मी, ये कहावत ऐसी है कि यदि चुनौती ले ही ली तो फिर उसका सामना करना चाहिए। प्रभु, मुझसे गलती हो गई ना? आपसे गलती हो गई, हर बार होती है, बार बार होती है नारद। किंतु ये समय अब भूल पर ध्यान केंद्रित करने का नहीं है, खेल पर ध्यान केंद्रित करने का है। खेल कौन सा था नारद? प्रभु, गोल गट्टम लकड़ी पट्टम दे दनादन प्रतियोगितम। गोल गट्टम लकड़ी पट्टम गोल अट्टम पट्टम तब गो 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 आप प्रयास करते रहिए, जब तक के खेल शुरू होगा तब तक क्या बोल लोगे? चलो चिंगू, गो गोल गट्टम लकड़ी पट्टम। अरे चुप,
इतने ये बुरे दिन नहीं आए हमारे जो देवलोक प्राप्त करने के लिए हमें देव से लकड़ी पट्टम गोल गट्टम तड़ातड़ मार खेल प्रतियोगिता करनी पड़े। जाओ युद्ध की घोषणा करो, देखो कैसे दानवराज उन सभी देवताओं को तुम सबके चरणों में ला के रखता है। ऐसे बल्ला घुमाऊंगा ऐसे। शांत दानवराज शांत। नहीं, ये शांत होने का समय नहीं है, अशांत होने का समय है। देवताओं ने हमें चुनौती दी है, हमें हमारे साथ लकड़ी पट्टम गोल गट्टम तड़ातड़ मार खेल प्रतियोगिता खेलेंगे। आप चिंता ना करें दानवराज, जीत तो हमारी ही होगी। हमारे साथ तिल्लासुर, मलिंगासुर, विराटासुर, गंभीरासुर, सरकंडासुर, गेलासुर, दुलाईसुर सब है। और मैं भी रहना चाहना। लीजिए वापी लीजिए। नारद मुनि ये क्या दे दे मेरे हाथ में। अरे मेरे प्रभु आ गए। प्रणाम प्रभु, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम महादेव। नारद, नारद कहाँ थे आप? हमने आपको सब जगह ढूंढा और आप यहाँ निकले। इंद्रदेव, वो तुम नारद के बारे में क्या कहना चाह रहे थे कहो। परम पिता, आपके सुपुत्र श्री नारद ने मेरे यानी देवराज इंद्र के इंद्रलोक को दांव पे लगा रहे हैं, दानवों के साथ खेल खेलने जा रहे हैं। हाँ। तो क्या कहते हैं उसे, गोल पटाखा लकड़ी गटाखा बा, 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 बा। अरे नहीं नहीं इंद्रदेव, ये लपकिए, गोल गट्टम लकड़ पट्टम देदनादन प्रतियोगितम। हाँ वही वही प्रभु। हाँ वही वही। आपकी जानकारी पूर्णतः सत्य नहीं है इंद्रदेव। नारद ने न सिर्फ इंद्रलोक को बल्कि संपूर्ण देवलोक को दांव पर लगा दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा, ओ क्या कहते हैं, कौन सा खेल है वो, लकड़ी पुर गुट्टम पुर ट्र पुर, एक खेल है क्या इस खेल। नहीं 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 पिताश्री, ये लपकी, गोल गट्टम लकड़ पट्टम देदनादन प्रतियोगिता लीजिए। और आप तो औषधि लेकर खेलिएगा ब्रह्मा जी, वो खेल लकड़ी का गट्टम पर लकड़ी ल, आ, आ, न, नहीं नहीं प्रभु, ये लपकिए, गोल गट्टम लकड़ पट्टम देदनादन प्रतियोगिता लीजिए। वाह, एक बार और। ब्रह्मदेव तीर कमान से निकल चुका है। हाँ। अब तो हमें ये खेल खेलना ही होगा और जीतना ही होगा। ये हुई ना बात, सुबह के बाद आई रात, तू डाल डाल मैं पात पात। ओ प्रभु, अब आएगा मजा, क्योंकि दानवों को करना होगा पलायन। जीतेंगे हम ही, क्योंकि हमारे साथ है नारायण। नारायण ठोको आशीर्वाद। अच्छा तो तुम्हें देवताओं ने हमारी जासूसी करने के लिए भेजा है? नहीं नहीं, मैं तो ये पूछने आया था कि आप लोग अपनी गेंद से अपना सिर तुड़वाना पसंद करेंगे या हमारी गेंद से अपना सिर तुड़वाना पसंद करेंगे? क्या? नहीं, मैं तो ये कहने आया था कि आप लोगों के खेल की शर्तें क्या हैं? इस खेल की सारी शर्तें तुम्हें ये रहना चाहना सुर बताएंगे। बस बस, अब मुझे समझ में आ गया, अब नीचे उतारिए, नीचे उतारिए, नीचे नी, मुझे नीचे उतारिए।
युद्ध होता तो जीतने की संभावना भी थी, किंतु अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे जीते ये प्रतियोगिता, क्या करें? आप निश्चित रहिए ब्रह्मदेव, मैं इस प्रतियोगिता में अब आग ही लगा दूंगा। शांत अग्निदेव, शांत। ब्रह्मदेव, चिंतित होने का समय निकल चुका है, अब तो हमें ये खेल खेलना है और जीतना भी। प्रभु 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 प्रभु, हम आ गए चिंगू। प्रभु यहाँ। हाँ चिंगू। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम इंद्रदेव। प्रणाम अग्निदेव। प्रणाम चिंगू देव। प्रणाम देवी। चिंगू, आपका कार्य समाप्त हो गया? हाँ प्रभु, मैंने सारा खेल समझ लिया और तो और मैंने अपने परम मित्र नारद को भी समझा दिया प्रभु। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ प्रभु, गोलगट्टम लकड़ी पट्टम देदनादन प्रतियोगितम, इस खेल को हम समझ गए हैं। हम ये भी जान गए हैं कि उनके खिलाड़ी कैसे हैं, किसकी गेंद पर हमारे खिलाड़ी चित हो सकते हैं और किसकी गेंद उछाल मार सकती है। उछाल मार सकती है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। परंतु चित्त होना क्या होता है चिंगू जी? क्या हमें ये खेल चित्त होकर खेलना होगा? आपका ये प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा है, किंतु खिलाड़ी क्रीड़ा स्थल पे चित्त होके नहीं बल्कि खड़े होके खेलना है, खड़े होके। हाँ प्रभु, चित होने का मतलब है खेल से बाहर हो जाना। अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं और सामने वाले की गेंद आपको छोड़कर पीछे लगे तीन लकड़ियों पर जाकर टकरा जाए तो आप चित यानी कि बाहर हो जाएंगे। हाँ, और अगर असुरों की गेंद पर आपने बल्ला चलाया, गेंद हवा में उछली और किसी असुर ने उसको लपक लिया तो भी आप चित हो जाएंगे। हाँ, और अगर गेंद पांव में लग जाए और पांव उन तीन लकड़ियों के आगे हो तो भी खिलाड़ी चित हो जाता है। परंतु ये खिलाड़ी चित कितनी बार होता है? एक बार। मैं समझ गया। मैं भी समझ गया। ब्रह्मदेव, मैं अब इस प्रतियोगिता में आग ही लगा दूंगा। सत्य वचन अग्निदेव, हम देवगण मिलकर असुरों को हराएंगे और इस प्रतियोगिता में आग लगाएंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा। देखो नारद बातुनी आए। तो प्रभु, खेल हो गया शुरू। ये क्या कर रहे हैं शंखदेव? कान फाड़ेंगे क्या? सामने देखी ना। और ये गरुड़ महाराज ने उड़ते उड़ते गेंद डाला और ये भोलेनाथ ने लपक के मार दिया है, गेंद जा रही है ब्रह्मांड पर। और ये गरुड़ महाराज उड़ते उड़ते आ रहे हैं और उन्होंने गेंद डाला। अरे ये क्या, ये क्या हुआ? अरे भोलेनाथ ने तो गेंद के साथ साथ बल्ले को भी हवा में उछाल दिया। अरे ये क्या किया गरुड़ महाराज, गेंद को लपकना था, इन्होंने तो बल्ला ही लपक लिया। गेंदबाजी कर रहे हैं बड़े बड़े खदो और बल्ले से उछाल दिया गया है। अब आपका बल्ला घुमाने का समय पूरा हुआ, आप प्रस्थान कर सकते हैं। अरे प्रभु, ये क्या कर रहे? प्रभु, मेरे प्रभु, आशीर्वाद नहीं देना है, बल्ला पकड़ गेंद को मारना है। हाँ, नीचे। और अब मेरे परम मित्र सुदर्शन आए हैं गेंद फेंकने। अरे तो मेरे भी प्रभु नारायण आए हैं बल्लेबाजी करने, देखते हैं क्या आता है। और ये डली गेंद, और ये आए सुदर्शन गेंदबाजी करते हुए, घूमते घूमते पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे चक्कर घिन्नी गेंद, और ये घुमा दिया है। और ये
प्रभु आप तो आप चित हो गए। दानवराज सभी देवता भयंकर अभ्यास कर रहे हैं। ये नौसिखिया अभ्यास करके क्या कर लेंगे। खेल के मैदान में हम उन्हें वो मजा चखाएंगे कि सारे देवता याद रखेंगे। प्रणाम, स्वागत है। क्या हुआ, कोई भी देवता खेलने नहीं आए? खेलने से पहले ही हार मान गए? दानव मित्र, खेल में तो होती रहती है हार जीत, पर सर्वश्रेष्ठ रहना यही है देवताओं की रीत। कहाँ है मेरे खिलाड़ी? तो कहाँ है, सबके सब बुलाओ। एक नाम हो सारे काम, नारायण नारायण। देखो नारद बातुनी आए, देखो नारद बातुनी आए।